हाय फ्रेंड्स, मैं राहुल और आपका अपने वर्ल्ड टेक्सचर चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको ब्रशिंग डिजाइन बना के दिखाऊंगा। ये ब्रश है, स्पेशल इफेक्ट ब्रश है, ये देखिए। इसको स्पेशल इफेक्ट ब्रश कहते हैं। इसको हमें किस तरह से पकड़ना है और किस तरह से हमें वॉल पे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, ब्रश पकड़ने का तरीका ऐसे होता है, चाहिए यहाँ ऊपर ये तीनों उंगलियाँ रख लो, चाहे दो उंगली रख लो, थोड़ा सा बैलेंस इक्वल रहेगा। फिर नीचे हैंडल पकड़ के ऊपर दो उंगली, बैलेंस बराबर रहेगा। ये तो छोटा पैनल है, मैंने ऊपर से लेके नीचे तक सीधा सीधा बनाया। जैसे बड़ी वॉल पे बनाना हो तो जॉइंट हमें कैसे मिलाना है वो मैं आपको बताता हूँ। बड़ी वॉल पे अक्सर क्या होता है, दिक्कत होती है। एक बार ऊपर से कर दिए, सेकंड टाइम में नीचे से उठा के फिर ऊपर कर दिए, नीचे से उठाए फिर ऊपर कर दिए। जॉइंट पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा, इसे पता नहीं लगेगा। थोड़ा सा सूखने के बाद यहाँ हल्का हल्का डार्क नज़र आ रहा है, जॉइंट अगर नज़र विजिबल हो रहा है तो एक बार दोबारा चला सकते हैं। और एक खास पॉइंट इसमें और है, जब हम ब्रश को ऊपर से नीचे लाते हैं, हमें ब्रश सीधा लाना होता है, तो ऐसे करते वक्त हमें अपनी सांस रोक देनी होती है, हल्का सा कुछ समय के लिए सांस को रोकना होता है। दोस्तों, ब्रशिंग डिजाइन अपनी बन के तैयार है। ये डिजाइन बहुत खूबसूरत आया है। अगर इस डिजाइन के ऊपर हम स्टेंसिल वर्क कर देते हैं, स्टेंसिल का डिजाइन बना देते हैं, तो इस डिजाइन की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और आपको मैंने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताया था कि जब भी हम वॉल पे ऐसे करके ब्रश चलाएंगे तो हमें अपनी सांस रोकनी होती है कुछ सेकंड के लिए। वो सांस इसलिए रोकनी होती है क्योंकि सांस रोकेंगे तो बॉडी में वाइब्रेशन नहीं होती है। वाइब्रेशन नहीं होगी तो हमारा हाथ ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम सीधा चलेगा। सो आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा, तो आपको डिजाइन बनाने में काफ़ी आसानी रहेगी। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।